चीन में कोरोना वायरस से हड़कंप मचा हुआ है और दुनिया के हर हिस्से में इससे निपटने की सभी कोशिशें की जा रही है। एमपी के उज्जैन में भी कोरोना वायरस का संदिग्ध मरीज सामने आया है। उसे उज्जैन के माधव नगर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस से पीड़ित लड़का चीन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। इस बीमारी के लक्षण मिलने के बाद उसे और उसकी माँ को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल के स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि मरीज को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। मरीज की जांच की रिपोर्ट पुणे भेजी गई। रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। माधवनगर अस्पताल में एक आइसोलेशन वार्ड है जो स्वाइन फ्लू की महामारी जब फैली थी तब से वो स्थापित है और इसमें हमें हमारे पास में आइसोलेशन में मरीज को रखकर उसका इलाज करने की पूरी सुविधाएं हैं। वो एक तरह से आईसीयू का कार्य कर रहा है। चीन से एक छात्र जो मेडिकल छात्र है वो कुछ दिन पहले उज्जैन आया था। उज्जैन आने से पूर्व उसने दिल्ली के एयरपोर्ट पर इसकी जांच नहीं करवाई थी कि उसमें बीमारी के कुछ लक्षण हैं, संक्रमण का खतरा है या नहीं है, तो उसकी इन्हीं बिंदुओं पर हम यहाँ पर उसको आइसोलेशन में रख के जाँच कर रहे हैं। तो उसके साथ में उसकी माता का भी यहाँ पर हम लोग माता की भी हम जांच कर रहे हैं ताकि अगर किसी भी प्रकार से उनमें कोरोना वायरस के की उपस्थिति पाई जाती है या उसके कारण होने वाली बीमारी के लक्षण पाए जाते हैं तो उनका समुचित इलाज हो सके। ये इसके लिए हम उसके जांच जो रहती है उसको हम स्वाब में भेजते हैं जो कि इंदौर और पुणे की लैब में जाती है जहाँ पर इसकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का डिपार्टमेंट है। हाँ, कोरोना वायरस के सस्पेक्टेड जो ये इंडिविजुअल्स हैं हमारे पास में, जो ये दो मरीज हैं, इनको हमने आइसोलेशन में रख के इनकी जांच, इनकी और इनका जो भी लक्षण के अनुसार जो उपचार है वो हमने आरंभ कर दिया है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस से मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। चीन में अब तक 106 लोगों की मौत हो गई है जबकि 1300 नए मामले सामने आए हैं। सेंट्रल हुबोई प्रांत में स्वास्थ्य आयोग ने कहा कि 24 और लोगों की मौत वायरस से हुई है और 1291 अधिक लोग संक्रमित हुए हैं। अभी तक 4000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। चीन से निकलकर कोरोना वायरस दूसरे देशों में पांव पसार रहा है। अमेरिका, हांगकांग, मकाओ, ताइवान और भारत के बाद अब श्रीलंका में भी कोरोना वायरस के संदिग्ध मिले हैं। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ की रिपोर्ट।